अगर आपको पेप्टिक अल्सर, हर्निया या इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस है तो आप इस आसन को प्रैक्टिस ना करें। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे जहां पर भी होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं भुजंगासन के बारे में। भुजंगासन, जिसको हम कोबरा पोज भी कहते हैं, तो कोबरा पोज एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाभकारी पोज है हम सभी के लिए। बट हाँ, अगर आपको पेप्टिक अल्सर, हर्निया या इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस है तो आप इस आसन को प्रैक्टिस ना करें। भुजंगासन करने के जो फायदे हैं, हमारी पूरी स्पाइन, जो हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी है, उस पर बहुत ही अच्छा उसका असर आता है, बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है और हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी को ये फ्लेक्सिबल रखती है। इसके साथ में ही ये हमारी किडनी, हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छा है, हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है, हमारी ओवरीज, हमारी यूटेरस और कोई भी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है उसको ये दूर करता है। चलिए जानते हैं इस आसन को हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो भुजंग आसन करने के लिए हम सबसे पहले अपने मैट पर पूरी तरीके से लेट जाएं, अपने पैरों को पीछे फ्लैट, हमारी फीट, हमारे तलवे ऊपर की ओर, अपने चिन को हम आगे लगाएंगे, अपने हाथों को हम अपने बॉडी के नजदीक, हम अपने हाथों को अपने बॉडी के नजदीक अपने चेस्ट के पास रखते हुए पूरी बॉडी को स्ट्रेट, पूरी बॉडी को हमारे सीधा और रिलैक्स रखते हुए, खास करके हमारी लोअर बैक, उसको पूरा रिलैक्स रखना है। और धीरे धीरे इनहेल करते हुए अपने सर को, अपने शोल्डर्स को ऊपर की ओर उठाएं, जिसमें हमारी बैक मसल्स पूरा काम करते हुए, और धीरे धीरे अपने हाथों पर जोर डालते हुए अपनी बॉडी को ऊपर, अपने सर को ऊपर और पीछे की ओर देखेंगे, अपने हाथों को धीरे धीरे सीधा, फाइनल पोजीशन में होल्ड करेंगे थोड़ी देर और फिर सांसों को छोड़ते हुए वापस नीचे। तो ध्यान रहे कि जब भी हम ऊपर की ओर आएंगे, सांसों को भरते हुए हमारा सीना बाहर की ओर, शोल्डर्स डाउन, नेक अप, ऊपर और पीछे की ओर देखें, माथे के बीचों बीच में हमारी पीठ पूरी अंदर की ओर, हमारा पेट पूरा स्ट्रेच, होल्ड करेंगे थोड़ी देर और फिर सांसों को छोड़ते हुए आराम से नीचे, और हाथों को साइड में रखते हुए रिलैक्स। तो भुजंगासन हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, स्पेशली हमारी कमर, हमारी बैक, हमारी स्पाइन, इन पोर्शन में हमारे बहुत आराम देता है। इसके साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि आपके किडनीज, आपकी लीवर्स, आपकी ओवरीज, आपके यूटेरस और जितने भी हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, इन सारे चीज़ों को बिल्कुल फिट रखता है। तो अगर आप भुजंगासन करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएँ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।